उस आने वाले महीनों में यहाँ पर किस तरह से ग्लोबल सेंट्रल बैंक बाइंग करते हैं, फेड रेट किस तरह से आएगा, काफी सारी चीजें डे टू डे यहाँ पर इम्पैक्ट करती रहेंगे सोने के प्राइसेस को। नवनीत, आपसे पहले जानना चाहेंगे कैसे देखते हैं आप गोल्ड के प्राइसेस एज ऑफ नाउ और क्या वजह है इस डाइवर्जेंस की, बिकॉज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ऑल टाइम हाईज हैं लेकिन भारतीय बाजारों में अपने ऑल टाइम हाईज से काफी नीचे प्राइसेस। मनीषा जी, मेरे हिसाब से जो डाइवर्जेंस है, लार्जली मैं पहले वो क्वेश्चन आंसर करूंगा, लगभग 9% ड्यूटी कट का जो हमने ये देखा है वो ही लार्जली सबसे बड़ा एक डाइवर्जेंस है। अदरवाइज वी वुड हैव बीन क्लोजर टू लाइफ टाइम हाईज इन डोमेस्टिक मार्केट ऑल्सो। करीब करीब 75,000 के ऊपर का स्तर हम भी ट्रेड कर रहे होते अगर यही भाव प्री ड्यूटी कट के लेवल्स पे होते तो आई डोंट थिंक देर इज एनीथिंग मोर देन दैट जो अभी फिलहाल को गोल्ड इम्पैक्ट कर रहा है। काफी सारे मूविंग पार्ट्स है जो कि इस टाइम पे इंटरनेशनल मार्केट्स को ये लार्जली इन्फ्लेशन डेटा जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिविटी दिखा रहा है कि आने वाले समय में 2 रेट कट की पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट देखने वाली चीज ये कि लास्ट 3-4 दिनों में जो मामला 70-80% तक डिस्काउंटेड था 50 बेसिस पॉइंट, वो 50-50 हो गया है। तो कहीं ना कहीं एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि शायद नेक्स्ट रेट कट जो सितंबर में एक्सपेक्ट करें उसमें 25 बेसिस पॉइंट ही कट आए, which will bring volatility to the market. Geopolitical tension काफी हद तक elevated है, which is also supportive of the prices. उसके साथ साथ I believe election का माहौल वहाँ पर थोड़ा सा गहरा रहा है and साथ साथ में काफी सारे challenges आने वाले 2 महीने में हमें देखने मिल सकते हैं, which is also adding to the fire. तो कुल मिला के थोड़ी बहुत uncertainty है, which is kind of getting elevated and यहाँ से incremental gains किस speed में होंगे ये बहुत questionable है, because मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द फैक्टर्स जो नेगेटिव हो सकते थे या जो गोल्ड को एक अपवर्ड मोमेंटम दे सकते थे वो ऑलरेडी प्ले ऑफ हो चुके हैं। तो यहाँ से जो इंक्रीमेंटल गेन्स होंगे वो काफी रुक रुक के होंगे और काफी धीमे होंगे, तो बहुत ओवरली बुलिश नहीं हूँ बट बायस थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे रखता हूँ। पॉइंट टेकन। नवनीत, और जैसे आपने कहा भी कि जी हाँ, एक तरफ जियोपॉलिटिक्स है, ग्लोबल सेंट्रल बैंक बाइंग है, फेड रेट कट है और ऑफ कोर्स बाजार यहाँ पर इलेक्शंस भी देखेगा नवंबर में कि वहाँ से क्या निकल के आता है और किस तरह की सेफ हेवन बाइंग हम यहाँ पर आता हुआ देखते हैं। अगर आप इंक्रीमेंटल गेन भी देख रहे हैं यहाँ पर प्राइसेज में तो क्या लेवल्स आप ऊपर में बनता हुआ देखते हैं, क्योंकि अभी भी कुछ लोगों का मानना है कि 2550-2600 भी शायद ही जाए एंड देन ऑफकोर्स ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि 2700 के लेवल्स भी इस साल के अंत तक देखने को मिल सकते हैं। ऑलमोस्ट क्लोजर टू 2550 लेवल तो आज के सेशन में भी हमने देखा है कि सुबह कॉमेक्स पे ऑलमोस्ट $2550 करके थोड़ा सा रिटेस्टमेंट देखने मिल रहा है। बट आई बिलीव दैट 2550 से लेके 2610 यहाँ इस रेंज में कहीं ना कहीं अगले 2 से 3 महीने में गोल्ड के प्राइसेस एग्जॉस्ट होते हुए नजर आएंगे। अगले 12 महीने का भी शायद अलग हो सकता है, बट एज वी डिस्कस अबाउट दिवाली तो मे बी ये रेंज के आसपास कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक पॉज लेता हुआ गोल्ड नजर आएगा। इंटरनेशनल टर्म्स में ये लेवल डोमेस्टिक टर्म में कन्वर्ज होगा लगभग 73,500-73,700 के आसपास। तो बारिंग रुपी एट 84-84.50 रेंज मेरा कन्वर्जन है कि 73,500-700 के आसपास कहीं ना कहीं आपको दिवाली पे गोल्ड के प्राइसेस देखने मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो करंट लेवल से करीबन 2,500 की तेजी आप यहाँ पर अभी भी सोने में बनता हुआ शायद देख पाएंगे। प्रथमेश, आपका क्या सेंस है सोने पर, आप क्या क्यूज वॉच करेंगे और आपका क्या प्राइस व्यू है दिवाली तक इंटरनेशनल मार्केट्स में और भारतीय बाजारों में? गुड इवनिंग मनीषा। इंटरनेशनल मार्केट्स में गोल्ड प्राइस अगेन $2600, ये तो गिवन पॉइंट है यहाँ पे, और इंडियन मार्केट्स में अराउंड 73,500-74,000 ये पॉसिबल भाव जो दिख सकते हैं। और सारे फैक्टर जैसे कि डिस्कस हो चुके हैं, इंटरेस्ट रेट कट्स, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, सारे जो फैक्टर्स है ऑलरेडी प्राइज्ड हैं। तो यहाँ से जो तेजी आने वाला सिचुएशन है वो क्लियरली नेक्स्ट बाउट ऑफ अनसर्टेनिटी वो कहाँ से आ सकती है वो बता नहीं सकते, बट गोल्ड में बायस जो है वो पॉजिटिव है। सो इसको वो डिप्स ऑन बाइंग ऑन डिप्स करे और हर प्राइस पॉइंट पे जहाँ पे डिप्स मिले वहाँ पे एक्यूमुलेट करे। ऑलराइट, तो खरीदारी के मौके यहाँ पर अभी भी सोने में खरीदे जाने चाहिए। ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म ट्रेंड यहाँ पर बुलिश है और जो बहुत नियर टर्म की बात है वो है इन्फ्लेशन का डेटा जो जापान से आएगा इस हफ्ते में और ऑफ कोर्स द मोर इम्पोर्टेंट जैक्सन होल की मीटिंग, वहाँ पर बाजार की नजर रहेगी इस वीकेंड तक कि वहाँ से किस तरह की स्टेटमेंट, क्या क्यूज निकल के आते हैं। जतिन, आपकी क्या सेंस है, आप कहाँ देखते हैं सोने को इस दिवाली तक? मनीषा, इनलाइन व्यू है मेरा भी, 73,500 तक मैं देख रहा हूँ कि M6 में जो लेवल है कहीं ना कहीं टच आउट होना चाहिए, क्योंकि कॉमेक्स पर भी हम देखे जो 2500 के ऊपर जो सस्टेन होना शुरू करेगा तो अराउंड अबाउट 2550 से लेके 2580 ये जो रेंज है वो आगे की चाल रहेगी वहाँ कॉमेक्स के अंदर जो गोल्ड की जो है। और सपोर्टिव रेंज की मैं बात करूँ तो अराउंड अबाउट 2450 जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना हुआ है और ये प्ले आउट करना चाहिए फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स। बहुत ज़्यादा डाउन साइड तो नहीं देख रहा मैं, और डेफिनेटली जहाँ पर जो फेडरल रिजर्व की जो पॉलिसी का जो स्टांस है
वो तो एक्सपेक्टेशन बहुत 100% तक आ ही चुका है कि 25 बेसिस पॉइंट कट होना चाहिए और प्राइसिंग भी हो चुका है। लेकिन आगे की जो कमेंट्री होने वाली है सितंबर मंथ में जो पॉलिसी आएगी उसमें और प्रोजेक्शंस जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे कि और कितने कट्स एक्सपेक्ट करने हैं और कितने रैपिड पेस से वो होने वाला है। एक कट होने के बाद अगर बहुत बड़ा पॉज आ जाता है या कमेंट्री भी फिर भी थोड़ी बहुत हॉकिश सुनाई देती है समझ में आती है तो डेफिनेटली फिर से वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट बन जाता है। लेकिन अगर कंटिन्यूएशन में कट्स की बात होती रहेगी और अब्जॉर्प्शन होता रहेगा मार्केट के अंदर तो एक रैली जो है और एक ड्यू हो जाएगा गोल्ड के लिए आने वाले समय में, तो ये जो है वो सिर्फ इंटरेस्ट रेट के हिसाब से है। लेकिन और भी काफी फैक्टर्स हैं जो प्ले आउट कर रहे हैं, गोल्ड को सपोर्ट दे रहे हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, मिडिल ईस्ट के क्राइसिस जो है ऑलरेडी है, चाइना एज ए इकोनॉमी इज नॉट डूइंग गुड, सो वहां से फिर से बाइंग जो है वो कहीं ना कहीं इमर्ज हो सकती है एज एन हेज टुवर्ड्स दी अनसर्टेनिटी इन द इकोनॉमी। सो ये फैक्टर्स जो आई थिंक और प्ले आउट होते रहेंगे, बट टाइम विल ओनली टेल कि कौन सा फैक्टर ज्यादा हावी होगा गोल्ड के ऊपर और सपोर्ट करेगा। सो एज ऑफ नाउ इंटरेस्ट रेट और कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट का जो है फैक्टर अभी भी थोड़ा सा प्राइसिंग होना बाकी है और शायद अगर और भी नेगेटिव एस्पेक्ट आ जाते हैं तो पॉइंट टेकन, यानी कि तेजी यहाँ पर है और सभी हमारे एक्सपर्ट्स अलाइंड भी हैं एक दूसरे के व्यू से यहाँ पर। रवि, आपकी सेंस लेनी बाकी है, आपको क्या लगता है? आपको भी लगता है 2600 इंटरनेशनल मार्केट्स में और करीब 73,500 इंडियन मार्केट्स में, या आपका क्यों व्यू यहाँ पर कुछ डिफरेंट है? नहीं, व्यू सेम ही है, आई थिंक फंडामेंटल सेम है, व्यू भी सेम है। पर्टिकुलर एक एडेड एडवांटेज मार्केट को तब मिला जब लास्ट वीक चाइना ने एडिशनल एक कोटा गोल्ड इंपोर्ट का उन्होंने डिक्लेयर किया, अदरवाइज चाइनीज इंपोर्ट जो एब्सेंट था इस हिसाब से ग्लोबल मार्केट में कुछ ज्यादा हलन चलन नहीं थी। पर्टिकुलर प्राइसेस में काफी कंसोलिडेशन का मूड था, हालांकि जैसे ही ये न्यूज आए तो प्राइस ने इसका प्रीमियम लिया। जियोपॉलिटिकल रिस्क आई थिंक लग रहा है कि यूएस इलेक्शन तक कोई बड़ी उम्मीद नहीं है रिजोल्व होने की, बट यस टिल द रेट मींस के ऐसा लग रहा है कि यहाँ से बहुत वर्स हो ऐसा भी सिचुएशन नहीं है, शायद नेगोशिएशन चलते रहेंगे यही सिचुएशन पे और आगे भी रहेगा। सेकंड है कि रूपी काफी वीक हुआ है, लास्ट टाइम जब इंटरनेशनल प्राइसेस ने ऑल टाइम हाई किया तब रूपी और अभी रूपी में काफी अच्छा डिफरेंस पे है, तो मुझे लग रहा है कि प्रीमियम मिलेगा क्योंकि तब 1.0380 से डॉलर 1.02 आया है, साथ में ने रुपी 83.20 से 84 तक वीक हुआ, तो मुझे लग रहा है कि हमारा इंपोर्ट थोड़ा कॉस्टली होगा, इसका प्राइस को एक अच्छा बेनिफिट मिलना चाहिए। फुटफॉल काफी स्ट्रांग है, कोई भी ज्वेलर को पूछो आप, फेस्टिविटी के पहले भी इतने स्ट्रांग फुटफॉल थे, लाइक 69,800 से 71,000 तक प्राइसेस के सामने लोग को ऐसा लग रहा है कि काफी अच्छा चीप गोल्ड मिल रहा है वर्सेस इंटरनेशनल प्राइस, तो आई थिंक ये भी मुझे लग रहा है कि प्राइसेस को सपोर्ट करेगा। स्पॉट में काफी बड़ा डिस्काउंट था लास्ट टाइम जब मार्केट ने ऑल टाइम हाई किया, अब ये डिस्काउंट काफी कम रहा है, तो मुझे लग रहा है कि इस हिसाब से डोमेस्टिक प्राइसेस में स्टेबिलिटी होगी वर्सेस इंटरनेशनल प्राइसेस, तो आई थिंक वहां बाई करें। 73,000 का टारगेट होगा मेरा और 71,000-70,500 कोई भी डिप मिलता आई थिंक एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और जो लास्ट बॉटम है 69,200 ये आपका अल्टीमेट सपोर्ट होगा और मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में वैसे स्ट्रेंथ ही रहेगी, हालांकि आपका रिस्क रिवॉर्ड आपको ध्यान में रखना है, बट यस आई थिंक इम्पोर्टेंट होगा फेड का मीटिंग, कितने रेट कट मिलते हैं, कितना बेसिस और कितना पेस से मिलते हैं, वो काफी इम्पोर्टेंट। ओके, यानी कि खरीदारी यहाँ पर अच्छी खासी है और वो पॉइंट आपने यहाँ पर सही बनाया कि स्पॉट मार्केट्स में यहाँ पर डिस्काउंट है और ऑफ कोर्स क्योंकि ड्यूटी कट है हमारे यहाँ पर और हमने वो अलाइन होता हुआ देखा है प्राइसेस में, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय भावों में यहाँ पर हमने ऑल टाइम हाईज बनते हुए देखे हैं, लेकिन भारतीय बाजार अभी भी यहाँ पर काफ़ी पीछे। मिलिए तो बात हुई सोने की, लेकिन इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।